कि एक लड़का और लड़की दोनों मतलब गैर ताल्लुकात का दोनों आपस में बना लिए, और 2.5-3 महीने या 4 महीने का बच्चा है, अब उसका निकाह करने का बात आ रहा है, तो कैसे निकाह उसका होगा या नहीं अभी होगा? बस बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। नाजायज़ ताल्लुकात से किसी औरत को हमल हो गया तो फिर उस औरत का उसी मर्द से निकाह करना क्या जायज़ है कि नहीं जायज़ है? उससे निकाह करने के लिए या उस निकाह के जायज़ होने के लिए दो बुनियादी शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि वो दोनों पहले सच्चे दिल से तौबा करें, अपने इस जुर्म से पहले सच्चे दिल से तौबा करें, क्योंकि जानी से निकाह करना या जानिया से निकाह करना हमारी शरीयत के अंदर हराम है। और जब तक वो तौबा नहीं कर लेते हैं, सच्ची तौबा, तब तक जो है वो जानी कहलाएंगे। अगर वो सच्ची तौबा कर लें तो उसके बाद उनका निकाह करना सही होगा। और सच्ची तौबा के लिए शर्त ये है कि सबसे पहले तो उनके अंदर इखलास पाया जाए। दूसरी बात ये, यानी किसी दुनियावी मकसद से वो तौबा नहीं कर रहे हैं बल्कि अल्लाह के खौफ से तौबा कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि उस गुनाह से फौरन रुक जाएं। तीसरी बात ये कि उस गुनाह पर उन्हें शर्मिंदगी हो, निदामत हो, पशेमानी हो। चौथी बात ये कि आइंदा मुस्तकबिल में उस गुनाह के ना करने का अज्म हो। अगर ये शर्तें पाई जा रही हैं तो इसको सच्ची तौबा कहा जाता है। अगर किसी ने सच्ची तौबा कर लिया तो फिर अब उसे उस जुर्म के साथ याद नहीं किया जाएगा, उसे जानी या जानिया नहीं नहीं कहा जाएगा, अब उसका निकाह करना ये सही होगा। तो ये पहली शर्त है कि वो दोनों पहले तौबा करें, सच्ची तौबा। दूसरी शर्त ये है कि वो औरत जो हमल से है उसका पहले वज़े हमल होना चाहिए। वो बच्चा जो उसके पेट में है, पहले उसकी विलादत होनी चाहिए। विलादत से पहले उसका निकाह नहीं हो सकता। हालांकि ये मसाला इख्तिलाफी है, बाज़ उलमा ने इस बात की इजाजत दी है कि जिस आदमी का वो हमल है उससे उसका निकाह हो सकता है, लेकिन सही बात ये है कि उससे भी उसका निकाह नहीं हो सकता है जब तक उस बच्चे की विलादत ना हो जाए। तो खुलासा ये कि किसी हामिला औरत का निकाह हमल की हालत में नहीं हो सकता है, जब तक उसकी विलादत ना हो जाए तब तक उससे शादी नहीं कर सकते हैं।